विद्यार्थियों ने पटना हाईकोर्ट में गलत प्रश्नों के बदले मार्क्स एवं इनवैलिड का भी रिजल्ट जारी हो इसको लेकर के पटना हाईकोर्ट में केस फाइल किया था। आप सबको जानकारी होगा कि काफ़ी लंबे समय के बाद इस केस की सुनवाई हुई और आज फाइनली CWJC 1504/2018 ये केस नंबर है अशोक क्रांति जी का, इस केस की आज सुनवाई हुई। इसका केस का सीरियल नंबर 2 था और जस्टिस जो है इस केस को देख रहे थे वो मोहित कुमार शाह इस केस को देख रहे थे और आज की बहस काफ़ी सकारात्मक रहा। बता दें कि केस नंबर 1504/2018 इस केस की आज जोरदार तरीके से बहस हुई और इस दौरान इस केस के फैसले को जो है सुरक्षित रख ली गई है। जी हाँ, बहस के बाद इस केस के फैसला को सुरक्षित रख लिया गया है। बिहार ट्रेड से संबंधित अब जितने भी केस है सभी केस की सुनवाई होने के बाद इस केस का फाइनल फैसला आ जाएगा कि बिहार टेट अभ्यर्थियों को गलत प्रश्नों के बदले मार्क्स मिलेगा या फिर नहीं। हालांकि केस नंबर 1504/2018 इस केस की बहस को जो है अब सुरक्षित रख लिया गया है। आप यहां पे देख सकते हैं कि इस केस की सुनवाई अब तक 3 बार हो चुका था, आज 4th सुनवाई हुआ था। 2 बार अनिल उपाध्याय ने देखे थे इस केस के, 20 अप्रैल 2018 को 1 बार अनिल उपाध्याय ने देखे थे। उसके बाद फिर से जो है इस केस की दूसरी सुनवाई 10 मई 2018 को हुआ था, उस समय भी अनिल उपाध्याय के बेंच में इस केस को था, इसीलिए उन्होंने ही देखा था। उसके बाद तीसरी बार जब इस केस की सुनवाई हुई तो 23 अगस्त 2018 को जस्टिस शाह सुधीर सिंह के बेंच में इस केस चला गया था। फिर इस केस की सुनवाई हुई जस्टिस सुधीर सिंह के, उसके बाद चौथी सुनवाई हुई जस्टिस मोहित कुमार सिंह के बेंच में आप देख सकते हैं और फाइनली 12 सितंबर को जो सुनवाई हुई आप देख सकते हैं कि इस फैसले को जजमेंट को रिजर्व कर लिया गया है, यानी कि इस फैसले को रिजर्व कर लिया गया है और बिहार चिट से संबंधित जितने भी केस है सभी केस की सुनवाई होने के बाद फाइनल फैसला आ जाएगा कि बिहार टेट अभ्यर्थियों को गलत प्रश्नों के बदले मार्क्स मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। हालांकि आज का केस की बहस काफी सकारात्मक है। आज के बहस के दौरान यह स्पष्ट हो चुका है कि बिहार टेट अभ्यर्थियों को गलत प्रश्नों के बदले मार्क्स मिल सकता है क्योंकि आज काफी सकारात्मक बहस हुआ है, इस आधार पर कहा जा सकता है। तो दोस्तों इस अपडेट में बस इतना ही। माना जा रहा है कि इसी माह के अंत तक जो है सभी केस की सुनवाई हो जाएगी और इसी माह के अंत तक फैसला भी आ जानी चाहिए, नहीं तो नेक्स्ट मंथ तय है।